इस सर्वेंट यहाँ पे मरा है और विनोद वहां से गिरा था। इन दोनों मौतों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद इस सर्वेंट की बॉडी के पोस्टमार्टम से कुछ पता चल जाए। चलो बॉडी लेके चलो। लाश को मैं लेकर जाऊंगी और पोस्टमार्टम करूंगी। चलो। डॉक्टर छोड़ो। ये यहाँ क्यों भौंक रहा है? जूते का निशान? यहां से कोई नीचे उतरा है क्या? दया, दया, हाँ, जरा वहां पाइप चेक करो। यहां ऊपर एक जूते का निशान है, देखो जरा, शायद कोई नीचे उतरा यहां से। लगता है कोई यहां पाइप से नीचे उतरा है, देखो जरा। कुछ है अभिजीत? यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम साफ है। लगता तो नहीं है कोई यहां से आया है। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई यहां से उतरा है तो बीच में से कैसे गायब हो गया? कहीं ये सामने वाली सीढ़ियों से तो नहीं भाग गया? मगर यहां से भागता तो सब लोग उसे देखते ना। किसी ने उसे देखा तो नहीं? जब विनोद नीचे गिरा तो सब लोग नीचे भाग के जा रहे थे ना। मगर सर, जूते का निशान तो यहाँ पर है। वही तो, ये जूते का निशान यहाँ पर आया कैसे और वो यहाँ से गया? पैरापेट पे तो कहीं और है नहीं जूते का निशान। जी डॉक्टर अंजलिका, और कोई बुरी खबर है क्या? आपने तो कसम ही खा ली है कि हम लोगों को रास्ता दिखा के ही छोड़ेंगे। यस डॉक्टर अंजलिका, अब और क्या बुरी खबर है? इस बार बुरी खबर मेरी तरफ से नहीं आ रही है, इस नौकर की तरफ से आ रही है। क्या? हाँ, ये नौकर दोपहर को 2 बजे ही मर गया था। दोपहर के 2 बजे? हाँ, और विनोद मरा था रात को 10 बजे। ठीक, इसका मतलब? इसका मतलब ऐसा लगता है कि दोनों को दो अलग अलग लोगों ने मारा है। माना ये दोनों अलग अलग टाइम पे मरे हैं, पर इनको मारने वाला एक हो सकता है। कैसे? खूनी नौकर को मारने के बाद 8 घंटे तक इंतजार करता रहा, फिर रात को वो बॉडी ऊपर लेके आया टैंक में छिपाने के लिए, जहां विनोद ने उसे देखा, विनोद के साथ उसका झगड़ा हुआ और विनोद मारा गया। कहानी अच्छी? ये कहानी नहीं है। पुलिस के कुत्ते ने हमें यह दिखाया है कि नौकर की लाश कैसे ऊपर लाई गई। खूनी वहां रुका था जहां विनोद खड़ा था, क्योंकि पुलिस का कुत्ता वहां रुका था और भौंक रहा था। ये सारी बातें जरा हवा में लग रही हैं। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा,
मुझे तो लगता है ये दो अलग अलग खूनी हैं। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकती हैं? सर्कमस्टांसेस को हम लोग बेहतर जानते हैं। हमें दिन रात लोगों से मिलना पड़ता है। लोगों को और जगहों को आप हमसे बेहतर नहीं जानती। वो बिल्डिंग, वो टेरेस, वो जगह यही बता रही है कि खून एक ही आदमी ने किए हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुत्ता एक जगह रुक कर भौंकने लगा? हे भगवान, पानी क्यों नहीं आ रहा है? टाकी में से पानी नीचे जा ही नहीं रहा साहब। तुम एक काम करो, जरा ऊपर चढ़ के देखो कहीं टाकी में कुछ फंसा तो नहीं। जी साहब। वहां से लाश मिली है, कहीं इसमें भी कोई लाश वाश तो नहीं है? ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लाश तो नहीं, लेकिन एक कपड़े जैसा कुछ है। इस शर्ट के मिलने से सारा केस उल्टा पुल्टा हो गया। तैयार हो जाओ, एक और बम फूटने वाला है। मुझे पहले ही मालूम था यहाँ कुछ नया ड्रामा होने वाला है। क्या बताया आपको इस शर्ट ने? इस शर्ट ने तो मेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। जो काम हम लोग नहीं कर सके वो इस शर्ट ने कर दिया? जी नहीं, उस शर्ट पे मिले एक बाल ने। ये तीसरा बाल देख रहे हैं आप, ये मुझे इस शर्ट पर से मिला। और बाकी के दो बाल? ये जो पहला वाला है ये उस नौकर की गर्दन पर से मिला था, और वो वाला मुझे विनोद की शर्ट पर से मिला था। ये एक एक करके बाल इकट्ठे करती जा रही है, आपने इसके बारे में हमें पहले कुछ बताया नहीं। क्योंकि अब बताने का वक्त आ गया है। देखिए, ये तीनों बाल एक औरत के हैं, एक ही औरत के हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। एक ही औरत के बाल तीन अलग अलग आदमियों के कपड़ों पर? शायद छीना झपटी में निकल कर लग गए हों। दोनों खून एक औरत ने किए हैं। और ये शर्ट, ये जो हमें पानी में से मिली है, ये भी उसी की है, उसी औरत की? हाँ, शायद। आपका मतलब है कि एक औरत ने विनोद को उठा के नीचे फेंक दिया, और वही औरत नौकर को कंधे पे उठा के टेरेस पे लाई और टैंक के ऊपर चढ़कर बॉडी को पानी के अंदर फेंक दिया। काफी ताकतवर औरत होगी। हो सकता है उसके साथ एक आदमी भी हो। मगर वो दोनों टेरेस पे से गए कहां? वो जूते का निशान पैरापेट पे तो है, मगर नीचे जाने का कोई निशान नहीं है। और वो कुत्ते को भी पता नहीं चला कि खूनी गया कहां। हो सकता है खूनी वही सोसाइटी का ही कोई हो। वो किधर भागा नहीं या भागी नहीं, वो वापस सीढ़ियों से उतर कर नीचे चली गई और अपने घर में घुस गई। हमारे पास उस औरत का बाल है, वहां रहने वाली सब औरतों का एक एक बाल मांगते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराते हैं, पता चल जाएगा किसका बाल है। डीएनए टेस्ट कराने से पहले माइक्रोस्कोप से सबके बाल देख सकते हैं। जिस औरत का बाल ऐसा हो वही खून। आप लोग प्लीज जरा आगे आइए, यहाँ पर आगे प्लीज। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी थी तो घर पे भी कर सकते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पूछ सकते थे, मगर यहाँ भी थोड़ी देर लगेगी, बस 5 मिनट। एक बाल तोड़ेंगे। बाल? लेकिन क्यों? पहले आप आइए, आइए प्लीज। आपका नाम? श्री बाला। कहाँ रहती है? सेविंग थर्ड फ्लोर। आपका एक बाल निकाल लूं मैं, काट लूं? हाँ, लेकिन जरा आराम से। ऑफ कोर्स, थैंक यू। नहीं, ये नहीं है।
ये नहीं का मतलब? नहीं, वो दूसरी बात है। तो मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एक बाल काटने के लिए इतना परेशान कर दिए। चलिए आप आइए। आपका नाम? संगमित्रा। संगमित्रा, बहुत अच्छा नाम। थैंक यू डॉक्टर, आप मेरा बाल काट सकती है। अरे आओ शामन। वो मेरे यहाँ आज का पेपर नहीं आया तो मैंने सोचा आपसे मांग लूंगा। अरे पेपर ही तो है, मगर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं क्यों? मैं भी देता हूँ पेपर। मैं अंदर आ जाऊं? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है शामन, आओ अंदर आओ, कम इन। अरे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। अच्छा वो टेस्टिंग, मेरी बीवी भी वहीं गई है। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई साहब आप? अरे बता भाई क्या हो रहा है? वहाँ एक एक औरत के बाल काट के देख रहे हैं। क्या बाल काट के देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मैडम आप जा सकते। ओह मैं तो ऐसे घबरा गई थी कहीं मेरे हाथों से कुछ हो ना गया हो। क्यों आपने तो कुछ किया नहीं है। नहीं मगर मुझे डर सा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे नींद में चलने की बीमारी है ना, तो नींद में चलते चलते कभी कभी मैं टेरेस पे चली जाती हूँ। डॉक्टर आप इनका बाल फिर से लो। नहीं नहीं ये नहीं है। आप आइए। आप अभी जाना नहीं, ये रुकिए आप। वैसे भी आप लोगों की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, और जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म होगी तब तक तो खून करने वाला बहुत दूर जा चुका होगा। खून करने वाला नहीं, खून करने वाली। थैंक यू। खून करने वाली? जी हाँ। खून एक औरत ने किया है? हाँ। देर हो रही है। एक मिनट और, मुझे आपके हाथ चेक करने हैं। हाथ? ये हाथ नहीं, आपकी कलाई चेक करनी है, स्लीव ऊपर कीजिए। लाइए मैं ही कर देती हूं। ये क्या है? वो 3-4 दिन पहले मैं गिर गई थी, उसी से लग गई। ये विनोद ने तुम्हें मरते मरते काटा है जब तुम दोनों उसे मिलकर नीचे फेंक रहे थे। तो खून इन्होंने किया है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी रो कर रही है। मैं देखता हूँ। शामन को पकड़ो। शामन दरवाजा खोलो, शामन दरवाजा खोलो, शामन। अरे भाई साहब शामन तो अभी भी ऊपर गए। ऊपर गए? शामन रुक जा, शामन शामन रुक जा। रुक जा रुक जा दह, रुक जा, आगे मत बढ़ना। हाँ हे दह, हे जाने दे मुझे, छोड़ दे, देख देख किसी को पता नहीं चलेगा। ओके मैं जाता हूं। थैंक यू दह। नहीं शामन नहीं,
दया, मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा, प्लीज आज मुझे छोड़ दे। प्लीज, मैं नहीं छोड़ सकता। दया, मैं जेल में सड़ जाऊंगा रे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा। शमन, रुक जा शमन, शमन, नहीं, नहीं, शमन, शमन, नहीं रुक जा, शमन, रुक जा, नहीं रुक जा, शमन, शमन, नहीं, नहीं शमन रुक जा, कोई आगे नहीं आएगा, तेरे नहीं, शमन, शमन ऐसे मत करो, प्लीज रुक जा, नहीं, मैं पहले ही कह रही थी ना खूनी सी ने किया है, अब तो ये जेल जाके सड़े, मैं आज कूद जाऊंगा, नहीं शमन, शमन रुको, शमन प्लीज रुक जाओ, नहीं मुझे कोई नहीं बगाड़ सकता, अब तुम नहीं बच सकते, मैं जेल नहीं जा सकता, शमन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम नीचे उतरो प्लीज, तुम अपने दोस्त को इस तरह नहीं बचा सकते, ये क्या कह रही हो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, नहीं शमन, मैं जेल नहीं जाऊंगा, शमन क्या जरूरत थी आपको इस तरह बात करने की, आपको पता नहीं इंसानों से कैसे बात करते हैं, आप सिर्फ मुर्दों से बात करना जानती हैं, मर गया ना एक आदमी, मैं उसे बार बार कहती रही कि शमन चोरी मत करो, मत करो चोरी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो चोर बना कैसे, उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, बैटिंग भी करता था वो, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, विनोद भी बेकार था, फिर वो दोनों इंटरनेट पे से चोरी करने लगे, लोग इंटरनेट पे अपने क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते और पता नहीं शमन इन क्रेडिट कार्ड के नंबर कैसे पता लगा लेता, और फिर हम उन लोगों के बैंक के सारे पैसे साफ कर देते, काफी पैसा बनाया होगा, नहीं सारा पैसा चला गया, हम लोग तो एक दो बार पकड़े भी जाने वाले थे, फिर हमने ये काम छोड़ के हमारे जान पहचान वालों के यहाँ चोरी करना शुरू कर दी, अपने दोस्तों के घर ही चोरी, हाँ। उस नौकर को क्यों मारा, वो नौकर हमारे साथ मिला हुआ था, चोरी के बाद वो आधा पैसा मांगने लगा, चिल्लाने लगा, हम लोगों का उसके साथ झगड़ा हो गया, और फिर शमन ने उसका गला दबा, विनोद को धक्का क्यों दिया, विनोद को पता नहीं था कि हमने उस नौकर को मार दिया है, और जब उसे उसके खून के बारे में पता चला वो घबरा गया और कहने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा, तब उन दोनों में झगड़ा हो गया और शमन ने विनोद को धक्का मार दिया, नौकर के खून के जुर्म में और विनोद के मौत की साजिश करने के जुर्म में तुम्हें बहुत भारी सजा होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।